नहीं है गोवा से वापस जाए, लेकिन क्या करे मजबूरी है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है कि कुछ लोगों को यहाँ की बात बतानी है, इसलिए हमें जाना भी जरूरी है। आई होप यू ऑल एंजॉयड अ लॉट। और आप ये जो ऑलमोस्ट हम लोग 6 से 7 महीने पहले जो ऑफर दिए थे, उस ऑफर का आज फाइनल रिजल्ट हम लोगों ने निकाला। आप लोगों ने टिकट कटाया और आके रह गए, लेकिन बाकी का जितना भी मैनेजमेंट था वो हम लोगों ने बड़ा चैलेंजिंग वे में किया, कि बहुत चैलेंजिंग था, लास्ट मोमेंट तक चैलेंज था, लेकिन ये सब संभव सिर्फ इसलिए हो पाया कि हम सब एक साथ थे, वी आर इन वन फैमिली। अगर आप हमारा साथ ना देते तो शायद इतना बड़ा इवेंट, हम में से कोई गोवा नहीं आया था और सारा कुछ फ़ोन पे मैनेजमेंट्स करना, पल पल क्या होगा, कैसे होगा, क्या नाश्ता करेंगे, क्या डिनर करेंगे, क्या लंच करेंगे, कब कब क्या होगा, ये सारा हम हजारों किलोमीटर दूर थे और यहाँ बैठ के हो रहा था। तो दिस इज ये जूस ऑफ में सीखा है। हमने कोई MBA या होटल मैनेजमेंट का कोर्स नहीं किया, कोई इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स नहीं किया है, बस ड्यूस ऑफ का काम किया और ये सब अपने आप आ फ्री में। लोग लाखों रुपया इसके लिए खर्च करते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ काम करके और मस्ती करके ये सब फ्री में मिलता है। और कहा जाता है नॉलेज और स्किल इज प्राइसलेस, इसकी कोई कीमत नहीं होती जो नॉलेज और आपका स्किल डेवलप हो जाता है। तो इसको कंपेयर हम नहीं कर सकते कितना अर्न हमने ड्यूस ऑफ से किया है। पैसा तो यार लाखों आएंगे, करोड़ों आएंगे, बे इंतहा आएंगे। और मैं शुरू से इस सिस्टम में पैसे के लिए काम नहीं किया, मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद था मुझे अपना नाम, मेरा बड़ा फैमिली हो, मेरे दोस्त ज़्यादा हो, अच्छे दोस्त, चुनिंदा लोग मेरे दोस्त हों, ताकि जहाँ भी निकलूँ तो प्राउड करूँ अपने फैमिलीज पे और वो फैमिली मुझ पर प्राउड करे। ये शुरू से मेरा था। पैसा तो सारे लोगों को कमाते देखा तो थोड़ा थोड़ा सोचा चलो मैं भी डुबकी लगा लूँ, सोच गीले मनी डजंट मैटर माय डियर फ्रेंड्स। मैं हमेशा अपने से नास ट्रेनिंग्स में आपको बोलता हूँ कि आई एम द यंगेस्ट किड, अपने फादर मदर का सबसे छोटा बेटा हूँ। और मेरे घर में मेरा इनकम अगर छोड़ दिया जाए तो पर मंथ 25 लाख का इनकम है पर मंथ, मेरा छोड़ के जो अलग बात है उन सब पे मेरा भारी पड़ जाता है, लेकिन वो 25 लाख पर मंथ का इनकम भोगेगा कौन, मुझे भोगना था बिकॉज आई एम द यंगेस्ट। पापा मम्मी किसको देंगे, मुझे देंगे, बड़ा भाई किसको देगा, मुझे देगा। तो मनी डजंट मैटर फॉर मी, मुझे ये था कि मैं अपने पापा मम्मी के साथ रहूं, मैं इन्हें छोड़ के ना जाऊं, मेरे फैमिली सेंटिमेंट जो होता है मेरा था, छोटा बच्चा था, माँ बाप से बहुत ज़्यादा स्पेशली मम्मी से ज़्यादा प्यार करता था, उनको छोड़ के वो कहीं एक दिन के लिए भी चले जाते थे तो मैं रात भर रोता था, इवन 10th 11th तक की मेरी ये हाल थी। तो मेरा ये था, इसलिए मैंने हैदराबाद का जॉब भी छोड़ दिया, क्योंकि मम्मी पापा यहाँ मैं वहाँ, मज़ा नहीं आ रहा था। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे ये सिस्टम मिला और इस सिस्टम को मैंने बड़ा ईमानदारी से किया, इसलिए किया कि मुझे छोड़ के नहीं जाना अपने घर को, अपने दोस्तों को। एंड आफ्टर 20 ईयर्स I succeeded in that mission. इस कोरोना ने दिखा दिया, मेरे US के भाई तरफ के रह गए वो नहीं आए, हैदराबाद वाले भैया तरफ के रह गए नहीं आए, लेकिन मैं और मेरी फैमिली पापा मम्मी के साथ हॉलीडे इंजॉय कर रहे थे। हॉलीडे था हम लोग के लिए, गजोर बंद था, सब चीज़ ड्राइवर लेके देता था, नीचे से लटकाते थे वो आता था, 2 दिन तक बाहर ही रहता था और हम लोग पूरा मस्ती करते थे। बस बीच में 1-2 महीना कष्ट हुआ कि थोड़ा, क्योंकि मेट को भी हम लोग मना कर दिए थे, खुल के बोलिए तो कभी कभी वाइपर से पूछा भी लगाना पड़ा। बस यहाँ तक मैं था, बाकी का आगे का तो सर लोग वाइपर से मैंने वाइफ को देखा करते तो बड़ा दुख हुआ, बोलो ठीक है मैं कर देता हूँ। तो बोले क्या करोगे, मैं बोले पूछा लगाया था तो वो तो समझी मेड जैसा लगाती वैसा ही ये लगाती है। मैंने टेक्निक लगाया, वाइपर था वो लिया, गाना से गाना बिजली पड़ा, हेडफोन लगाया, गाना में मस्त मार दिया। तो रास्ते निकाल लेते हैं फन का, हम लोग का हाल पहला वो तो
ज्यादा एक्सपीरियंस था जब मैंने पोछा लगाना शुरू किया तो सोचा कि ऐसे ऐसे बैठ के लगाते हैं ना तो फिर थोड़ा देर के बाद मैं लेट के लगाता फिर मैं अगला दिन ट्रिक्स निकाला ऐसे नहीं चल पाएगा सिस्टम बनाना पड़ा तो मैंने फिर वाइपर का सिस्टम निकाला और मस्ती देखी आई एंजॉय अ लॉट और स्टिल आई एम एंजॉयिंग आपके साथ हूँ यहाँ पे फैमिली हमारी वहाँ है मिस कर रहा हूँ लेकिन मैं जब जहाँ होता हूँ मैं वहाँ का हो जाता हूँ ये मेरी वाइफ जानती है कि मैं जहाँ हूँगा वहाँ ये मेरे घर वाले सब जानते हैं मैं एक भी कॉल्स नहीं किया ना मम्मी पापा को ना भाई बहन को सॉरी बहन तो है नहीं वाइफ को बच्चे लोग हो गए तो फोन करते डैडा अब आओगे और मुझे मालूम और बच्चे नहीं बोल रहे उनकी मम्मी बोल रही है उनके थ्रू से तुझे अनुभव कैसे है देखिएगा बाज के घर में कबूतर गलत ड्रीम ना पाले और मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ दोस्त आपको मैं एज अ फैमिली समझता हूँ आप मुझे जिस नजर में लेना चाहते हैं आप लीजिए आप दोस्त बड़ा भाई जो आप मनाना चाहते हैं एज अ मेंटर मैं आपको एज अ फैमिली देखता हूँ आपको कष्ट में आप देखे होंगे दोनों दिन आप लोग रात में बाहर थे लेकिन मैं वेट कर रहा था कि आप आओ कहाँ हो किसी को दिक्कत हो रहा है किसी को तबीयत खराब है उसको टैबलेट दे रहे हैं किसी के बच्चे रो रहे हैं उनके साथ एंजॉय कर रहे हैं इवन ट्रेन में आप लोगों के लिए मैं आया आप सब टीटी क्या बना वो तो भवेश जानता है तो मेरा ये नेचर है कुछ लोगों को अगर उसमें कुछ गलतियां लग रही है तो सॉरी फॉर दैट मैं ऐसा ही हूँ मैं आपको अपना समझता हूँ मेरा नजरिया अलग है मैं आपको कष्ट में नहीं देख सकता हूँ मैं आपके सारे स्टिल आई एम नॉट द गॉड मैं भगवान नहीं हूँ मुझमें भी कमियां होगी कुछ अगर मेरे वजह से कभी किसी को हार्ड बोल दिया हूँ या कुछ बोल दिया तो सॉरी फॉर दैट लेकिन व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर मैनेजिंग अ बिग थिंग बड़ा चीज़ आप करते हैं तो बहुत सारे प्रेशर्स और टेंशन्स रहते हैं उसे हमें हैंडल करना होता है और मैं फिर से कहूँगा कि ऑलवेज आपके लाइफ में आप लाइफ के एंड तक पहुँच जाओ इस लेसन को याद रखना आपके लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट नहीं होगा जहाँ पर सिर्फ हैप्पीनेस आएगा सौरों भी साथ साथ चलता है दुख और सुख कभी सिर्फ सुख नहीं चलेगा कभी भी नहीं चलेगा आप याद कर लो अपना बैक आगे का तो देख नहीं पाते हो लेकिन पीछे का तो देख सकते हो ना इतना तो ताकत ऊपर वाले ने दिया है अगर ये ताकत खींच ले तो दुख होगा ही नहीं हम पीछे का ही याद करके दुखी होते हैं आगे का याद करके कहाँ दुखी होते हैं दुख का कारण क्या है जो बीत गया है कल उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं और सुख का कारण क्या है जो आने वाला कल है उसके बारे में सोचिए तो आप सुखी रहेंगे तो व्हाट डू यू वांट सुखी रहना चाहते हैं तो हैप्पीनेस और सॉरो व्हेन यू आर टॉसिंग अ कॉइन हेड और टेल दोनों उछलता है अगर आपका हेड दिख रहा है तो टेल उसके पीछे है कांट अंडरस्टैंड इट मिस आप कांट अंडरस्टैंड इट वो है टेल नीचे लेकिन आपको दिख रहा है ऊपर का हेड और हम लोग यही गलती कर जाते हैं अगर आपने टॉस किया और आ गया टेल आप हेड देखो टेल मत देखो दैट इज कॉल्ड लीडरशिप लेकिन एक आम आदमी एक कॉमन मैन वो क्या देखता है जो सामने दिख रहा है और एक बड़े दूरदर्शी इंसान लोग वो देखते हैं जो उसके पीछे है ये सबसे बड़ा लीडरशिप की क्वालिटी है दोस्त जब भी आपके पास क्राइसिस आए हम लोग उसको देखने लगते हैं जिसके वजह से प्रॉब्लम है देखना वो चाहिए ये प्रॉब्लम ऊपर वाले ने मुझे दिया क्यों कुछ हैपनिंग के लिए दिया है क्या क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी क्या हो सकता है अभी मैं एग्जांपल के रूप में दूंगा अभी लास्ट इलेक्शन में वी आर नॉट द पॉलिटिशियन लेकिन कोई पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन थोड़ा सा आपको हिंट्स दूंगा तो आपको याद आ जाएगा लास्ट इलेक्शन में जब मोदी का जब कैंपेनिंग चल रहा था तो ऑलमोस्ट जो रिपोर्ट आ रहा था कि मोदी हारने वाला था और उसी वक्त पाकिस्तान ने कुछ ऐसा कर दिया उसने अपॉर्चुनिटी ले लिया कर दिया सर्जिकल स्ट्राइक सारा गेम ही बदल गया क्राइसिस था देश पे लेकिन उसने अपॉर्चुनिटी के तरह यूज कर लिया और वो राज कर रहा है
तो आप लोग के बीच में आज अभी क्राइसिस है कि नहीं, आई डोंट नो, लेकिन आप जैसे ही घर पे पहुंचेंगे ना, एक बहुत बड़ा क्राइसिस आपका इंतजार कर रहा है। कौन है क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन आपका इंतजार कर रहा है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर वो क्राइसिस सामने आ गया तो जो अभी आप बोल रहे हैं, क्या उसी पे स्टैंड रहेंगे या नहीं रहेंगे? दैट इज द मेन क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि अच्छा मैं तो खुश होना ये बहुत ये आम आदमी कर लेता है, जब आपके पीठ पे त्रिशूल लगा हुआ फिर आप मुस्कुरा रहे हैं, ये एक खास मान करता है। एंड दैट इज कॉल्ड लीडर। जो मनीष सर ने बताया कि मोदी, उसको आप मुस्कुराता देख रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे उसके पीछे क्या क्या साजिशें होती हैं, ये शायद आपको नहीं पता है। छेद हो गया होगा ना, ये लोग ना देख लिया। तो मैं आपसे एक पॉइंट बताना चाहता हूँ दोस्त, कि ऑलवेज ट्राई टू सी द अपॉर्चुनिटी नॉट द क्राइसिस। और अगर आपके पास खुशी है तो सतर्क रहना, उसके पीछे दुख भी है। तो ज्यादा खुश भी मत होइए, खुश होइए, बी अलर्ट, अलर्ट के साथ खुश होइए, क्योंकि दोनों साथ चलती है। मैं अक्सर एक स्टोरी सुनाता हूँ, भगवान विष्णु, आप सब जानते हैं ना, yes, भगवान विष्णु की धर्मपत्नी का नाम लक्ष्मी और उनकी साली का नाम दरिद्रा, दोनों आगे विष्णु जी के पास और ऐसे ऐसे करके पूछे, अब बताओ हम दोनों में सुंदर ज्यादा कौन है? अब विष्णु भगवान परेशान, साली आधी घर वाली और ये पूरी घर वाली, इसको अच्छा बोला तो पूरी गई, पूरी को अच्छा बोला तो आधी गई। अब क्या किया जाए? विष्णु भगवान परेशान, तो अभी आगे का सुनिए, मजादार क्राइसिस मैनेजमेंट। विष्णु भगवान से बड़ा कोई क्राइसिस मैनेजमेंट नहीं है, उसे सीखना चाहिए। तो अब वो क्या ही पाया रहा, क्योंकि उनको सोचने के लिए समय चाहिए था। रंजीत सर ने बोला, सुधांशु सर ने बोला, इंप्रेशन मत सुनिए, द बेस्ट इज ऑन द वे, बेस्ट आने वाला है, दुखी मत हो, परेशान मत हो, जो हुआ है कुछ ना कुछ लेकर आएगा आपके लिए, डोंट बी इंपेशेंट। तो अब विष्णु भगवान क्या करें, तो उन्होंने एक उपाय लगाया, ऐसा करो तुम लोग एक बार जाओ उधर और उधर से आओ, फिर मैं बताता हूँ तुम दोनों में सुंदर कौन है। तो दोनों करके चली और फिर ऐसे करके आई। तो फिर विष्णु भगवान बोले, वाह लक्ष्मी तुम आते हुए सुंदर लग रही थी और दरिद्रा तुम जाते हुए सुंदर लग रही थी। सही है, देखो समझ में आया। लक्ष्मी को आना चाहिए और दरिद्रा को जाना चाहिए, जस्ट मैनेजमेंट इसे कहते हैं। तो आपके लाइफ में कभी भी कुछ ऐसा सवाल आ सकता है जो आपको इंपेशेंट कर देगा, बाप रे अब क्या करें, डोंट कूल। सबसे पहले महेंद्र सिंह धोनी हो जाओ, कूल कूल बेबी कूल कूल, ऑल इज बैड। नाउ डिसाइड कि मैं सही हूं, लेट्स डू इट, अगर गलत है लेस अपोलाइज, बस दो ही चीजें, अगर आप सही है तो किसी को मत सुनो और अगर आप गलत है तो अपोलाइज कर लो, सिंपल सा। गलत है तो फिर थेटरलॉजी क्यों कर रहा है यार, गलत है तो गलती मान और सही है तो फिर चलते बढ़ो, फिर तुम शर्मा क्यों रहे, फिर टेंशन क्यों ले रहे हो? ऑल इज वेल। तो दिस टू फंडा फॉर द लीडरशिप माय डियर फ्रेंड, और आप लीडर्स हैं मुझे पक्का पता है, और इसलिए मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि लीडर होते कैसे हैं। और उसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा बेसिक्स एग्जाम्पल्स ऐसा लेता हूँ कि जो आपके आसपास हो देख सकें। आप सबके घर में दूध होता है, मिल्क, अच्छी बात है। अच्छा दूध को हम बहुत खोला है, एक दिन दो दिन तीन दिन खोला दे, क्या उसे खोला कर दही बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। हम बोल रहे क्या दूध को गर्म करके हम दही बना सकते हैं? नो, इज इट पॉसिबल?
जो बनाना है वो मिलाते हैं। दही बनाना है तो क्या डालेंगे? दही जोरन। माय डियर फ्रेंड, अगर आपको लीडर बनना है तो लीडर को मिलाना पड़ेगा, और मिलाते ही दही नहीं बन जाता है। अब मिला दो दही, लो दही, दिल में। यू हैव टू पेशेंस, जो सर बोल रहे थे, कीप पेशेंस। रात भर छोड़ो और देखते भी रहो, कोई बिल्ली या बच्चा उसको धक्का तो नहीं मार रहा। गांव घर में ऐसे बना के रखते तो उस पर डाल देते, नहीं जमेगा भी, तो नहीं जमेगा। दूध को जितना भी फौला दे यार, वो दही नहीं बनेगा। अगर उसे दही बनाना है तो पहले ठंडा करो, फिर उसमें जो दही चाहते हो, खट्टा दही मिला हुआ तो खट्टा दही निकलेगा, मीठा दही ना तो मिष्टी दही, दादा तो मिष्टी ही बनेगा। व्हाट डू यू वांट, विच लीडरशिप क्वालिटी यू वांट, नोट इट, और वो अपने में मिलाना पड़ेगा। एंड कीप देम सेक्रेट, छोड़िए कुछ दिन। और ताज्जुब की बात देखिए दोस्त, कि जब आपका दही बन जाता है, मतलब कि जब वो दही बन जाता है, आपका दही नहीं, दही बन जाता है, तो वो पूरा दूध का वैल्यू कैसे, पर केजी कितना है? 50, 50 पकड़ ले। और दही का वैल्यू कितना है? पूरा दूध का वैल्यू दही का हो जाता है, सारा का सारा 100 रुपीज केजी पे बिकता है। माय डियर फ्रेंड, अगर आपने अपने अंदर लीडरशिप डेवलप कर लिया ना, आपका वैल्यू ही बदल जाएगा।